ये पॉलिटिक्स से चलती रहेगी। सुशांत सरीन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? कल क्वाड की बैठक होनी है, क्वाड की संरचना किन बातों को ध्यान में रखकर की गई है, और उससे पहले एक सॉफ्ट पार के तौर पर जो हम चाहे वो इससे पहले यूरोप का दौरा हो और अब हम देख रहे हैं जापान में भी हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों के सामने अपनी बातें कहकर जो एक मोदी मोदी का उत्साह वहां पर बन जाता है। सुशांत जी देखिए अंजना, मेरा मानना यह है कि ये जो उत्साह बनता है वो भारतीयों के लिए तो ठीक है, भारत में भी शायद उसका एक रेजोनेंस होता है, और जो वहाँ पर भारतीय मूल के लोग वहाँ पर बसते हैं, जौन से भी देश में मोदी जी जाते हैं वो भी उत्साहित हो जाते हैं, वो अपनी जगह बात ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी दौरे का, किसी भी विदेशी दौरे का, वो होता है कि आप जो वहाँ की जो सरकारें हैं या वहाँ पर जो आपका कार्यक्रम है उसमें क्या चीजें आगे बढ़ती हैं। मेरा मानना यह है कि ये जो क्वाड का सम्मेलन हो रहा है ये बड़ा अहम है, और ये एक बड़े एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जबकि क्वाड को और ज्यादा तगड़ा करने की जरूरत है, और उस तरफ पेशकदमी हो रही है। जो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर बात हुई है और उस पर भारत भी उसमें हिस्सेदारी अपनी डाल रहा है, मेरे ख्याल ये एक बड़ा अहम कदम है। कुछ समय लगेगा उसको पूरी तरीके से कार्यान्वित होने में, लेकिन उस तरफ हमने बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्वाड के लिए जरूरी था कि उसका एक आर्थिक पहलू भी हो, साथ ही साथ एक सामरिक पहलू हो। दूसरा मामला रहता है सामरिक पहलू का, और मेरे ख्याल उसमें भी भारत को कुछ हद तक एक पेशकदमी करनी चाहिए, एक तो ज्यादा समन्वय बनाने के डायरेक्शन में, और दूसरा एक आर्थिक और सामरिक जो एक एक इंटरसेक्शन है जिसको हम श्रीलंका में देख रहे हैं, जहां पर चीन की जो एक लोगों को कर्जा कर्जे में डुबाने की एक नीति रही है, उसके खिलाफ क्या क्वाड के देश बाकी देशों के साथ मिल करके कोई ऐसा स्कीम बना सकते हैं कि हम श्रीलंका जैसे देशों को बाहर निकाल सकें। उसका एक हमारे को आर्थिक फायदा भी है, उसका एक सामरिक फायदा भी है, और मेरी आशा यह है कि जब क्वाड का सम्मेलन होता है तो वहां पर प्रधानमंत्री दोनों, आर्थिक वाला तो हो ही गया है लेकिन एक श्रीलंका का मुद्दा और दूसरा जो एक सामरिक मुद्दा है जिसमें भारत को थोड़ी पहल करनी चाहिए, और थोड़ा जो संकोच भारत दिखाते आया है उससे शायद हमारे को थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, मेरे लिए वो ज्यादा अहम है। बाकी भारतीयों को अगर प्रोत्साहित होते हैं, हमारे एक लिहाज से राजदूत बनते हैं जिन देशों में वो बसते हैं, तो ये तो अच्छी ही चीज है, लेकिन उनकी जो बहुत ज्यादा उत्साह है उससे हमको कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या भारत के लिए करते हैं और क्या नहीं करते वो भी हमारे सामने, तो वो अपनी जगह बात ठीक है लेकिन उसको मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। ठीक है काटजू साहब, आज प्रधानमंत्री ने यहां पर कहा, यूरोप में भी उन्होंने कहा था, यहां फिर से कहा है कि आप यहां से जो जापानी लड़के हैं उनको भेजिए हिंदुस्तान देखने के लिए, पर्यटन को वो हर मंच पर इंडिया के लिए पुश कर रहे हैं। आज की उनकी इस पूरी बातचीत को जो उन्होंने भारतीय समुदाय के सामने किया और क्वाड पर, आपकी राय? देखिए पहली चीज, मोदी जी प्रवासी भारतीयों में बहुत लोकप्रिय हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। हाँ, जहां तक प्रवासी भारतीयों का सवाल है, मेरा मानना है कि कुछ देशों में जैसे अमेरिका है, वहां पर प्रवासी भारतीय भारत के हित को आगे बढ़ा सकते हैं जैसे बढ़ाया है, क्योंकि एक उनकी बहुत दृढ़ लॉबी होती है। जापान में प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है भारतीयों को कि आप लोगों को भेजिए, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोग वहां के जो भारतीय हैं वो कितना प्रमोट कर पाएंगे टूरिज्म, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। कोशिश अपनी तरफ से जरूर करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है। जहां तक क्वाड की बात है, अब मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि जब हम क्वाड में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब हमारी विदेश नीति और सामरिक नीति के सामने जो दरअसल चुनौती है और जो कि रहेगी वो चीन से, और चीन का सामना करने के लिए हमें दरअसल तो अपना ही बल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अपनी शक्ति पर रिलाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में अगर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से हम अपने हितों को बढ़ा सकें तो उसमें अच्छाई है। हाँ,
हमें ये जरूर समझना है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन है दुनिया में, जो उनके हित हैं, जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे वो हैं और जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हम हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो हमें ये ध्यान में रख के उनके साथ पूर्ण रूप से सहयोग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सुशांत ने जो बात कही इंडो पैसिफिक ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो बन रहा है, मैं जी समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसमें भी जिस तरह से इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट हमें रिकनसाइल करने पड़ते हैं एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ, वो बेहद ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से प्रेशर आता है कि आप अपना व्यापार पूरी तरह खोल दी, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है भारत के बाजार से। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है वो ये है कि हम वहां पर पूर्ण रूप से खोल नहीं सकते। जैसे जी एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर को, कृषि को कभी नहीं खोल सकते जी 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 अब जैसा वो चाहते हैं, जैसा पश्चिम के देश या अरे जैसा सुशांत ऑस्ट्रेलिया जी चाहेगा। तो इसमें हमें अब आगे बढ़ना है अपने हितों को ध्यान में रखते ठीक है, हुए। छोटा सा कमेंट सुशांत जी, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमान के पास। अब बहुत क्विकली, एक तो जो काटजू साहब ने अभी बात की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, हाँ मेरे ख्याल ये जो नॉर्मल जो इस तरीके के समझौते होते थे उससे काफी हद तक मुख्तलिफ है। इसमें ना तो आपको अपनी मंडियां खोलने की जरूरत है और ना ही इसमें कोई ट्रेड एक्सेस की कोई बातचीत है, ना टैरिफ्स की बातचीत है कि क्या आप कितना टैक्सेशन लगाएंगे, वो चीजें नहीं है आईपीईएफ में। ठीक है इनफैक्ट वहां पर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, सप्लाई जी साइड सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात हो रही है, और वो सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए भारत के लिए भी फायदेमंद रहेंगी, और भारत इसीलिए बिल्कुल उसमें अपनी हिस्सेदारी डाल रहा है। दूसरी चीज जो काटसू साहब ने बोली और अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहां पर जो भारतीय हैं वो एक लॉबी के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं, मेरे ख्याल उसमें भी हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तबका है जो भारत की बात करता है वहां पर, भारत के हितों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक और बहुत बड़ा तबका है उल्टा नुकसान जो अपने पहुंचाता आप को भारत से अलग थलग पाता है, जो भारत की निंदा करता है, जो भारत के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाता है, जो भारत के खिलाफ सैंक्शंस की बातें करता है, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो। तो एक वो भी तबका है जो अपने आप को गोरों से भी ज्यादा गोरा समझता है और अपने आप को गोरों की जो चालबाजी है ठीक उसमें है ढालने की जी कोशिश करता बिल्कुल है, ठीक तो है उससे भी हमारे को बच के रहने की जरूरत ठीक है। है।